जलासन गिरने का शुरू कर रहा है। जलासन जलासन के अंदर लाइट आ रहा है, जलासन के समय पे आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज तो राधे राधे, और क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। जितने मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं उन सबको, जो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं और उनको, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। तो सबको फिर से राधे कृष्णा। अभी मैं बेटे को बोली कि जल्दी से थोड़ा सा सूट कर दे, क्योंकि उसका ऑनलाइन होते रहता है ना, उसकी छुट्टी नहीं है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, हो गया, इतना कर दिया, अब मैं खुद कर लूंगी। तो आज जन्माष्टमी है, सबको पता ही है। तो कल कुछ लोग कल मनाए थे, तो आज हम लोग के यहाँ 7 तारीख को जन्माष्टमी मन रही है। और अभी हमें जो घर की पूजा हो गई, तो सोसाइटी में भी जाना है मुझे फटाफट, डेकोरेशन वगैरह का काम है सब कुछ। आप लोग जो जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता है कि हमारी सोसाइटी में हर चीज़ का कार्यक्रम होता है। तो ऐसे कृष्ण जन्माष्टमी भी पिछले बार भी बड़े धूमधाम से हुआ था, और इस बार भी मनाया जा रहा है। तो जो भी होगा मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और मुझे लगता है कोई आया है, तो मैं अभी जाती हूँ, और बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलती हूँ। ये देखिए मैं अभी नाश्ता में क्या तैयारी कर रही हूँ। तो ये बॉयल आलू है, और इसको मैं अभी ग्रेट कर रही थी ऐसे कद्दूकस, और उसमें मैं ये जो पोहा है, आज ये पोहा डाल के और इसका नाश्ता बनाऊंगी। क्योंकि और दिन इसमें बोलता रहता है बेटा कि ऐसे नॉर्मल बनाती हूँ, आज कुछ तो अच्छा सा बना दो। तो और इधर देखिए मेरा दूध चढ़ा हुआ है, उबल गया है, और ये साबूदाना भिंगो के रखी हूँ, तो इसका खीर बनाऊँगी। तो ये रहेगा आज का, और ये प्रसाद भी भोग भी लगा दूंगी, और अपने भी खाने के काम आ जाएंगे। तो ये सब तैयारी करके रखी हूँ, क्योंकि काम भी है तो घर में खाना भी तो है, वो भी ज़रूरी है, जिसका व्रत नहीं कर रखी हूँ मैं। लेकिन बिना प्याज व्याज का खाना बनाऊंगी मैं, जिस दिन पूजा का रहता है तो मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ, तो मैं बस यही करती हूँ कि बिना प्याज लहसुन के खाना बनाती हूँ। तो यही तैयारी कर रही हूँ अभी, और चलिए मिलती हूँ मैं ये सब बना के। ये देखिए ऐसे करके इसको, ये पोहा इसमें भिंगो के, और उसके बाद पानी नहीं छोड़ के आलू में मिला ली, और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, जो भी मिर्च जितना तीखा खा सकते हैं, जीरा पाउडर, सब मिला के ऐसे चीज फिल करके, और ये देखिए ऐसे गरम आ गरम बड़े गल गया। ओहो नहीं नहीं थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए ना, इसको वो भी नहीं हुआ है, हो गया है। नहीं हुआ, बस हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आए हैं हम राजनगर में, इस्कॉन टेंपल दर्शन करने के लिए, और अभी शाम के टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ है, और एक बार पहले भी यहाँ पे आई थी मैं, और आज के दिन नहीं आई हूँ, मैंने पहली बार आई हूँ कि ऐसे दिन में जब कृष्ण जन्माष्टमी है तो कैसा रहता है। और आप लोग कहेंगे कि अभी अपनी सोसाइटी का कार्यक्रम छोड़ के यहाँ क्यों आई है, तो ये भी बात करूँगी बाद में। लेकिन पहले अभी चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ का कैसे मेले के जैसे बना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से बैरियर लगा हुआ है, और ऐसे पार कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस की भी व्यवस्था है, और इधर गाड़ी, इससे उस साइड ही गाड़ी रखने दे रहे हैं, इधर नहीं लाने दे रहे हैं। ये पूरा पैदल है,
और लाइट लगी हुई है जैसे कि दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से रात जैसे होगी तो और सुंदर लगेगा ना, जब लाइट नहीं हो। हाँ हाँ, और पास से लूँगी। ये सड़क दिखा रही हूँ ना, कितना लंबा पैदल चल रहे हैं हम लोग। पैरों में भी लगा रखा है ना, पैर भी सुंदर लग रहा है। यहाँ जूते चप्पल उतारा जाए। तो माता जी, मैं आपको बहुत ही सिंपल रूल समझाता हूँ गेम्स को। इस गेम में 15 आइस के, इसमें 15 क्वेश्चन है। अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलेगा 2000 रुपये गिफ्ट वाउचर, जिसमें आपको एक फ्री गोवर्धन कैप मिल जाएगा खेलने के लिए। अगर आप 15 में से मात्र 10 सही करते हैं तो आपको मिल सकता है 1500 रुपये का गिफ्ट वाउचर। पानी पानी की व्यवस्था है। आप हमर सो के भेल गनी। तो ये हम लोग अब प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे कई जगह पे था इनका स्टॉल लगा हुआ, तो हमने कहा अंदर ले लेते हैं। और ये देखिए हम जीना से ऊपर जा रहे हैं, तो ये कितना बढ़िया दृश्य लग रहा है। और बहुत अच्छा डेकोरेशन भी हुआ था। और ये जब हम अंदर में गए हैं तो हमें यहाँ पे मुझे लगा कि जल प्रसाद मिल रहा है, तो हमने कहा कि जल तो बाहर ही था, पानी की बोतल तो, लेकिन यहाँ पे ये नींबू चीनी का सिकंजी था, मतलब सिकंजी प्रसाद के तौर पे ये पिए। और जैसे ये आए हम मेन मंदिर के प्रांगण है और सामने मंदिर है, तो उन्होंने मना कर दिया कि वीडियो नहीं बनाने के लिए। तो मैं कितना भी कोशिश की तो नहीं बनाने दिए। और जब मैं ये गिलास से गैलरी से मैं जा रही हूँ, तो ये गिलास से वीडियो शूट कर रही थी कि अंदर देखिए कई सारे लोग मोबाइल लेके वीडियो बना रहे हैं। तो ये इस तरह जो करते हैं ना, तो यही पे थोड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई जो आप लोग अंदर जो चले गए या जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं तो अपना बना रहे हैं। और ये मेन इंट्रेंस है जो आम टाइमों में, आम दिनों में इसी रास्ते से हम जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि जब अंदर से फिर से बना रहे हैं मोबाइल से, मैं कह चलिए ठीक है फिर मैं भी ट्राई कर दूँ। तो मैं दोबारा पूरा राउंड लेके बाहर से आके, और पैर में इतनी तकलीफ थी, फिर भी मैं अंदर गई। ये दोबारा मैं राउंड लगा रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत तो आप लोग को दर्शन करा ही दूँ। भाई ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगर का काम है जहाँ जाते हैं वहाँ पर। यदि आप अच्छे, कोई नहीं बना रहा था तो कोई बात नहीं, कई सारे लोग बना रहे थे तो सबको मना करो ना, आप सिर्फ मुझे ही क्यों मना कर रहे हो। तो मैं जाके ये देखी थोड़ा सा, जो जल्दीबाजी में जितना मैं कर सकती थी उतना मैं की। और ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये विट्ठल भगवान है यहाँ पे, और राधा कृष्ण जी का भी था, तो जितना मैं कर सकती थी। और ये अंदर का इतना सुंदर, देखिए देख रहे हैं सब हाथ में मोबाइल है, सब बना रहे हैं वीडियो। खैर कोई बात नहीं, हम मंदिर में आके किसी से बहस करना अच्छी बात नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँगी। और लेकिन इतनी सुंदर सजावट रहती है ना कि मन भी ऐसा ही होता है कि बस आप लोगों को भी दर्शन कराऊं, और एक मेमोरी भी रह जाती है। और ये एंट्रेंस गेट पे डिवाइडर सारे ना, ये लोग ना स्पोन वाले सफ़ेद सफ़ेद पहनते हैं ना धोती कुर्ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारी लेडीजें हैं ना साड़ी में रहती हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। अलग से ही एकदम ऐसा लगता है कि जो मैंने वो तो दिखता है कि भाई जो भी व्यवस्था में है आप लोग। और ऐसे मैं अभी बाहर निकल रही हूँ और मेरे पैर में लगी है ना, तो मुझे एक डंडा मिल गया था वहाँ पे गैलरी से उतरते हुए, तो मैं वही डंडा हाथ में ली हुई हूँ। तो मैं उनको कह रही हूँ कि देखो डंडा भी वीडियो में आ रहा होगा, जैसे बसमत भी की चढ़ाई नहीं करते हैं तो लेके चलते हैं, तो उसी तरह मेरा पैर में 15 अगस्त से ही मुझे चोट लगी है। तो कभी बीच में ठीक हो गया था, फिर ये 2 दिन से इतना तेज दर्द हो गया है ना कि, और नंगे पैर तो कंकड़ वगैरह होता है ना। और ये पीछे से ना एक लड़का ऐसे कर रहा है, तो मैं तब नहीं देखी थी कि ये लोग, पता चल जाता है ना कि ब्लॉग कर रहे हैं तो शरारते करते रहते हैं। और अभी मैं वीडियो में देखी हूँ कि देखो, देखिए पैर में लगी है ना, तो मुझे तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन मेरा मन इतना ज़्यादा ऐसे था ना, उदास था, तो मैं कही कि नहीं मुझे ले चलिए कहीं, मैं जाके दर्शन करके आऊँगी। और बाकी मैं सोसाइटी का ब्लॉग क्यों नहीं बनाई मैं जन्माष्टमी का,
तो मैं बात करूंगी आप लोग से, बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि आप लोग भी फ्रेंड हैं, आप लोग का भी जानने का हक है। जो लेडीज ऐसे तीन तीन चार चार घंटा कंटिन्यू खड़े होके पूरा कार्यक्रम का वीडियो बनाती थी और आज नहीं बना पाई है, तो वो नहीं बनाई है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। और अभी मैं बस थोड़ा सा समय ले रही हूँ आप लोग के साथ, तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू।